हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आजकल फ्रेंड्स मच्छरों का कहर बहुत ज़्यादा हो गया है ना। आजकल बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, थोड़ी बहुत देर में मच्छर, मतलब इतने मच्छर हो रहे हैं कि परेशानियाँ होती हैं। और ये मच्छर जो हैं वो रात को सोते समय परेशान तो करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है बीमारियाँ फैलाते हैं। बहुत भयंकर बीमारियाँ हो सकती हैं हमें मच्छरों से। तो आज मैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ मच्छरों के ऊपर, मॉस्किटोज़ के ऊपर। कुछ फैक्ट्स हैं मॉस्किटोज़ के बारे में, तो मैंने सोचा चलिए कुछ ऐसी वीडियो शेयर करते हैं जिस कहर से हम लोग आजकल निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो प्लीज़ आइए चलते हैं आगे वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या आप जानते हैं मच्छर या मॉस्किटो एक छोटी मक्खी या फिर लिटिल फ्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्पेनिश शब्द है? स्पेनिश शब्द है। यह शब्द 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अस्तित्व में आया था। 16वीं शताब्दी में ये स्पेनिश शब्द है मॉस्किटो, और ये छोटी मक्खी या फिर किसी लिटिल फ्लाई के लिए यूज़ किया जाता है स्पेनिश में। अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में मच्छरों को मोजीज़ कहा जाता है, MOZZIES, मोजीज़ कहा जाता है। मच्छर इस धरती पर डायनासोर के समय से हैं, 250 मिलियन ईयर्स पूर्व भी इनका अस्तित्व था। ईयर 2013 में रिसर्चर्स ने अमेरिका के मोंटाना में एक पर्वत श्रृंखला यानी पर्वत के एक टुकड़े में दो मच्छरों के जीवाश्मों की खोज की थी। तो दो मच्छरों के बहुत पुराने, बहुत ऐतिहासिक मच्छर थे जिनके जीवाश्म थे उसमें, और उन्होंने पाया कि खोज में पाया कि वो हिस्टोरिक जो मच्छर थे वो आज के आधुनिक मच्छरों से न्यूनतम अंतर है, मतलब बिल्कुल अंतर ही नहीं है। जो बहुत पुराने मच्छर हुआ करते थे वही मच्छर आज की डेट में भी हैं, कोई अंतर नहीं मिला है। दुनिया में मच्छरों की 3500 से भी अधिक प्रजातियाँ हैं। इन प्रजातियों में से लगभग 175 USA में पाई जाती हैं। आइसलैंड दुनिया का एकमात्र देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं। मच्छर 16 किलोमीटर लंबे और 2.5 ग्राम वजन के होते हैं। ज़्यादातर एडल्ट फीमेल मच्छरों का वज़न लगभग 2 मिलीग्राम होता है। मच्छरों की सबसे बड़ी ज्ञात प्रजाति, मतलब उनकी प्रजाति जो सबसे ज़्यादा हमें पता है, वो टॉक्सोर हिंसाइट्स है, जिसको हम एलिफेंट मॉस्किटो भी कहते हैं या एलिफेंट मॉस्किटो के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी लंबाई 18 मिलीमीटर और 0.71 इंच होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो मच्छर हमें काटते हैं वे नर नहीं बल्कि केवल मादा मच्छर होते हैं। नर मच्छर यानी मेल जो मॉस्किटो होते हैं वो कभी नहीं काटते, फीमेल मच्छर ही हमको काटते हैं। नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों मच्छर मेनली जो है वो फल और पौधे का रसपान कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन मादा को अंडे को विकसित करने के लिए ब्लड में उपस्थित प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए वह काटती है। एक बार ब्लड से पूरा भर जाने के बाद वह अंडे देने के पूर्व कुछ दिन आराम करती है। क्या आपने ये नोटिस किया है कि जो डार्क कलर के कपड़े पहना होता है, ब्लैक या ब्लू, उनके ऊपर मच्छर ज़्यादा दिखते हैं या उनके पास मच्छर ज़्यादा आते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छरों की जो देखने की क्षमता होती है, जो उनका विजन होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है, और वो डार्क कलर के कपड़े वाले लोगों को ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। क्या आपको पता है मच्छरों के दांत नहीं होते? जो फीमेल मच्छर होती है उसका जो माउथ पार्ट होता है वो लंबा और नुकीला होता है, जिसे हम सूंड भी कहते हैं, और इस नुकीले माउथ पार्ट के हेल्प से वो क्या करती है कि हमारी त्वचा को छेदती है और उसमें कोशिका का यानी कैपिलरी का पता लगाती है, और फिर दो ट्यूबों में से एक की माध्यम से वो जो है वो हमारा रक्त खींचती है या फिर ब्लड खींचती है। दोस्तों क्या आपको पता है मच्छर अपने वजन का 3 गुना खून पी सकते हैं? तो फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है कि एक मच्छर हर सेकंड में 300 से 600 बार अपने पंख फड़फड़ाता है, हर सेकंड में 300 से 600 बार अपने पंखों को फड़फड़ाता है। यही कारण है कि मच्छर के काटने के पहले उसने भुनभुनाने की आवाज़ आती है, उसके भुनभुनाने की आवाज़ आती है ना, हम लोग परेशान हो जाते हैं रात को, भुनभुनाता है मच्छर कान में, तो वो इसलिए आती है क्योंकि वो हर सेकंड 300 से 600 बार अपने पंखों को फड़फड़ाता है। एक रिसर्च में पता चला है कि किसी भी इंसान के शरीर का पूरा खून चूसने में मच्छर को उस इंसान को लगभग 1.2 मिलियन बार काटना होगा।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी और किसी तक भी पहुँचे या किसी को भी देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।